Jai Shri Ram. Friends, now we start fifth sum of NCERT. NCERT में जो fifth sum है अब हम उसे करते हैं. तो fifth sum said, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charge. Okay. So fifth. Glass rod is rubbed with silk. We know when glass rod is rubbed with silk, glass rod acquired positive charge. Glass rod. When glass rod rubbed with silk, rubbed with silk, let charge acquired by glass rod, charge acquired by glass rod is equal to plus Q, because जो glass rod होती है positive charge acquire करती है, तो हमने मान लिया कि plus Q charge acquire किया है. Similarly, charge acquired by silk cloth, is equal to minus Q, क्योंकि जब दो bodies को rub किया जाता है तो दोनों bodies equal and opposite charge acquire करती हैं. Now, before rubbing, rub करने से पहले charge on system means glass rod plus silk. जो system की बात कर रहे हैं वो glass rod प्लस सिल्क की बात कर रहे हैं. तो जब तक उन्हें रब नहीं किया गया था, दोनों एंड चार्ज थे, तो उनके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो कितना था? जीरो. नाउ चार्ज ऑन सिस्टम कि सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा आफ्टर रबिंग की रब करने के बाद वो कितना होगा? प्लस Q माइनस Q, दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो. इट मींस टोटल चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग इज सेम. Therefore, the observation is consistent. Therefore, the observation, is consistent with law
conservation of charge. Observation जो है वो consistent है, इस तरीके से हम fifth sum को कर सकते हैं. Now the sixth one, four charges, this 2 microcoulomb, minus 5 microcoulomb, C, D, R, located at corners of a square. तो एक square के corner पे four charges located हैं. Sixth sum में इस type से कोई आपका square है. और इसके चारों corners पे A, B, C एंड डी. ए पर 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, यहां पर प्लस 2 माइक्रोकुलम चार्ज है. बी पर माइनस 5 माइक्रोकुलम चार्ज है. सी के ऊपर प्लस 2 माइक्रोकुलम चार्ज है और डी के ऊपर भी माइनस 5 माइक्रोकुलम चार्ज है. Located at the corners of square of side 10 cm. और जो square की side है वो हमारी 10 cm है. इसे square की side जो है वो आपकी 10 cm है. तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम्ब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. सेंटर ऑफ स्क्वायर इज ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग द डायगोनल्स. द पॉइंट एट व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्क्वायर. इस पॉइंट पे ओ पे एक 1 माइक्रोकुलम्ब चार्ज प्लेस किया गया है. यहां पे रखा गया है 1 माइक्रोकुलम्ब. तो कहता है कि भाई इसके ऊपर नेट फोर्स निकालें. अब जो 2 माइक्रोकुलम्ब वाला चार्ज है, हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं. सो वी कैन से कि OA, सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD. ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी OA, OB, OC एंड OD. आल्सो जो फोर्सेस होंगे, भाई A की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सपोज FA फोर्स लग रहा है, ये A जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है FA, ये FA फोर्स लगा रहा है. B जो है, B नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो अपनी ओर इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये B पे फोर्स लग रहा है FB, B की वजह से. C भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो C की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज F, C से रिपेल करेगा तो C की वजह से ये फोर्स लगेगा और D से अट्रैक्ट कर रहा है तो D की वजह से ये फोर्स लगेगा. नाउ वी सी दैट FA
magnitude of FA is equal to magnitude of FC. भाई FA जो आप निकालेंगे 2 और 1 के बीच में सेम डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा. तो FA इज इक्वल टू FC बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. सो cancel out each other, cancel out each other. Similarly FB is equal to FD but, or similarly FB is equal to FD, ये भी आपकी सेम आपकी उसमें है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसल कर देंगे. तो सिमिलरली FB एंड FD कैंसल आउट ईच अदर. Hence, net force at point O is zero. तो इसलिए point O पे जो net force होगा वो हमारा zero होगा. Next question says, an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why? तो electric field lines के पास sudden break क्यों नहीं हो सकते, continuous क्यों है, ये आपका seventh question है, का answer, जो आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व एज कंटिन्यूस कर्व है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल पाथ एज इट रिप्रेजेंट एक्चुअल पाथ किसका, पॉजिटिव चार्ज का, एक्चुअल path of positive charge which experience a continuous force जो कंटिन्यूस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता तो उसी के पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है. सो इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, सो इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स. सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते बिकॉज द मूविंग चार्ज नेवर जंप्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर, बिकॉज
moving charge can never jump from one position to another, कि एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पे जंप नहीं कर सकता, इसीलिए सडन ब्रेक नहीं हो सकते. नेक्स्ट पार्ट, सेज एक्सप्लेन व्हाई टू फीड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. नाउ टू फीड लाइंस, इसी का सेकेंड पार्ट है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because at the point of intersection, two tangents can be drawn, which means two directions, two direction of electric field intensity at the same point, which is not possible, कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती. तो इस तरीके से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट वन इज एट्स, टू पॉइंट चार्जेस Q एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट. दो पॉइंट चार्जेस हैं, QA प्लस 3 माइक्रो कूलम है, QB माइनस 3 माइक्रो कूलम है. नाउ एट्स, टू पॉइंट चार्जेस आर देयर suppose Q and QB, are two point charges. इस तरीके से दो point charges आपको given है. One is QA, other is QB. A के ऊपर plus 3 micro coulomb charge है, यहाँ पे plus 3 micro coulomb charge place है. B पर माइनस 3 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस है. तो इसके बाद वो कहता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O. तो मिड पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है.
यानी जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज सेंटर, ये सेंटर है बीच का ओ, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई और ये डिस्टेंस भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऊपर। अब ऊपर कोई भी यदि हम टेस्ट चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ई ए, बी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो बी की वजह से ये डायरेक्शन होगी ई बी की, यानी ई ए और ई बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, नेट फील्ड एट ओ, तो ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। नाउ वी नो दैट ई ए इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो q मींस 3 माइक्रो कूलम, और वी कैन से q a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बाय 100 मीटर, 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस QB upon 4 pi epsilon naught, तो ये भी हमारी 10 by 100 का whole square, 10 upon 100 whole square, 0 से 0 cancel हो जाएगी, यहाँ भी आपकी 0 से 0 cancel हो जाएगी, और फिर further आप QA के place पे QA की value substitute करें, तो QA की value 3 microgram है, तो आपका हो गया 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सबसे पहले, तो आपकी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, और क्यू ए की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, और ये आपका 1 बाय 10 का स्क्वायर, तो 100 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, भाई ये तो आपका, और इंटू 100, क्योंकि वो जो 1 अपॉन 10 है इसका स्क्वायर जो होगा वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 9 3 27 इंटू 10 रेज टू पावर 9 प्लस टू 11 माइनस 6, 10 रेज टू पावर 5 प्लस ये भी आपका 27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ऑन सॉल्विंग इट 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ई। Now further what sum says, further second part, if negative test charge of 1.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb is placed at this point, what is force experienced? तो O पर एक test charge रखा गया है, O के ऊपर, तो वो test charge जो है वो कितना रखा गया है, 1.5 into 10 raised to power minus 19, O के ऊपर 1.5 into 10 raised to power minus 19 कूलम टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो कहता फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा Q नॉट के द्वारा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट इज इक्वल टू, जो Q नॉट की वैल्यू वो नेगेटिव दे रखी है माइनस 1.5 है, मैग्नीट्यूड 1.5 है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो ये आपका माइनस में होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई, जो ई का मैग्नीट्यूड होगा,
क्योंकि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा वहां पे, पॉइंट ओ पे हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू नॉट ई, क्यू नॉट मीन्स माइनस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा माइनस 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, ये आपका जो पावर थी 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 6 थी, और यहाँ पे माइनस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 है, 19 नहीं है, दिस इज माइनस 9। तो ये जो पावर थी 1.5 इंटू दिस, ये आपकी 9 है, 19 नहीं है, दिस पावर इज 9 इंस्टेड ऑफ 19। अगर ये पावर माइनस 9 है, यहां भी पावर माइनस 9, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, तो माइनस 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका बी ए के अलोंग होगा, किसके अलोंग होगा, बी ए के अलोंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अलोंग बी ए। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।